उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जनरल की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर में पूजा पाठ के लाइव प्रसारण को शास्त्र अनुमति नहीं देते। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाते हुए वहां के पूजा अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण करने को कहा था। एडवोकेट जनरल की दलील पर कोर्ट ने दो टुक कहा, भारत लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ कानून का शासन है, शास्त्रों का नहीं। चीफ जस्टिस आर एस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने एजी एस एन बाबुलकर से कहा कि वे धार्मिक तर्क नहीं दे क्योंकि उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। चीफ जस्टिस का जवाब था, अगर कोई ऐसा आईटी एक्ट है तो कृपया हमें दिखाए जो कहता हो कि मंदिर में होने वाले पूजा पाठ अनुष्ठान की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती। एजी ने अपने जवाब में कहा था कि मंदिरों में पूजा पाठ की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही ये भी कहा था कि कुछ पुजारियों का कहना है कि हिंदू शास्त्र इन विधि विधानों के लाइव प्रसारण को अनुमति नहीं देते हैं। इसी बात पर कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि शास्त्र इस देश को कंट्रोल नहीं करते, इस देश का नियंत्रण और इसके भविष्य का मार्गदर्शन भारत के संविधान के जरिए होता है। हम संविधान और उसके कानूनों के परे नहीं जा सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन है, शास्त्रों का नहीं। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।